So now let us go and check our next topic, that is circuit diagram. बराबर है, तो circuit diagram का definition याद रख लो और आपको कैसे question frame होते हैं वो मैं दोनों ही तरीका आपको बता देता हूँ. तो circuit diagram ये कहता है कि भाई ये एक ऐसा diagram है, a diagram which shows how different electrical components are connected in a circuit using electrical symbols. जो हमने electrical symbols पढ़ा ना, उनको use करके किस तरह से अलग अलग इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स सर्किट में कनेक्टेड है, तो इन सबके बारे में जो डायग्राम हमको इंफॉर्मेशन देता है उसी डायग्राम को हम बोलते हैं सर्किट डायग्राम. ऐसे में सो अ डायग्राम विच शोज हाउ डिफरेंट इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स आर कनेक्टेड इन अ सर्किट यूजिंग इलेक्ट्रिकल सिंबल्स फॉर देम इज कॉल्ड सर्किट डायग्राम. अब हमारे पास यहां पर एक सर्किट डायग्राम है बराबर. इन दिस यू सी ये कोई और नहीं एक सेल है, ये आपका क्लोज्ड की है, ये यू ऑल नो दिस एमिटर, यू नो दिस वोल्टमीटर बराबर. अच्छा वोल्टमीटर के बारे में मैंने बताया था ना एक चीज कि भाई ये जब भी सर्किट में कनेक्टेड होता है तो ये पैरेलल में कनेक्टेड होता है, पैरेलल में, तो वो चीज याद रखना है वोल्टमीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल, बाकी सब सीरीज में रहेंगे. अभी सीरीज पैरेलल क्या है, जब ये पूरा टॉपिक एंड होगा तो हम उसके बारे में थोड़ा और अच्छे से जानेंगे. फिलहाल आप लोग ये जान लो कि भाई पैरेलल और सीरीज बस इतना याद रखो, आगे आने वाले टॉपिक में वो दोनों ही टॉपिक है, विल क्लियर दैट देयर ओनली. तो ये चीज हो गया, ये आपका एक रेजिस्टेंस है, तो रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्ट मीटर हम कनेक्ट करते हैं पैरेलल के अंदर. तो ये पूरा एक सर्किट डायग्राम है जो आपको इन्फॉर्मेशन देता है. अब एक टाइप का क्वेश्चन कैसे बनता है इसके ऊपर कि यहां पर हमें सारे कंपोनेंट्स दे दिए हैं, बोला है कि कंप्लीट द सर्किट डायग्राम यूजिंग इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स. आप इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स के सिंबल्स को यूज करके, इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स के सिंबल्स को यूज करके आप सर्किट डायग्राम बनाइए. तो यहां पर क्या क्या है, बैटरी है, एमीटर है, वोल्टमीटर है, क्लोज की है, वेरिएबल रेजिस्टेंस है बराबर, और एक हम रेजिस्टेंस भी दे देते हैं, एक रेजिस्टेंस भी है. तो लेट अस मेक दिस. तो सबसे पहले मैं यहां पर बैटरी बना देता हूं, यह हमारा बैटरी हो गया. फिर यहां पर हम की कौन सा है, क्लोज की है, तो लेट अस मेक क्लोज की. आगे बढ़ने के साथ यहां पर एक एमिटर भी है, तो यहां पर हम एमिटर बना देते हैं. अच्छा इसका पॉजिटिव और एमिटर का पॉजिटिव दोनों साथ में होता है तो ये याद रखना हमको, तो ये पॉजिटिव होता है, एमिटर का दूसरा एंड नेगेटिव हो जाएगा. यहां पर जाते हैं, यहां पर हमारा रेजिस्टेंस है, जो रेजिस्टेंस यहां पर हमने लिया था इसको मैं आर बोल देता हूं. नीचे आते हैं और यहां पर हमारा है वेरिएबल रेजिस्टेंस, ये हमारा वेरिएबल रेजिस्टेंस यानी रियोस्टैट बराबर. और एक क्या बचा अपना, वोल्ट मीटर. तो वोल्ट मीटर को हम लोग पैरेलल में ऐसे कनेक्ट कर देते हैं. अच्छा इसका नेगेटिव और इसका पॉजिटिव, इसका नेगेटिव इसका पॉजिटिव पार्ट, ये आप लिख देते करेक्ट, और ये नेगेटिव पार्ट. तो करंट इसमें कहां से कहां बहेगा, करंट ऑलवेज फ्लोस फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल, तो पॉजिटिव टर्मिनल ऐसे जाएगा. ये रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होता है वोल्ट मीटर का, भी हमने पढ़ा था बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस रहता है तो करंट विल नॉट फ्लो फ्रॉम देयर, ऐसे जाएगा और ऐसा जाएगा. यहां पर भी प्लस है, ऐसे करंट जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, यहां पर नहीं जाएगा बराबर ना. हमने पढ़ा था इनफाइनाइट रेजिस्टेंस, बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस रहता है. तो ये था टॉपिक सर्किट डायग्राम के ऊपर. तो आपको ऐसे ही कुछ सिंबल पूछ लेंगे, कुछ ज्यादा पूछा तो सम्स भी पूछ लेते हैं, ये वैल्यूज दे देते हैं, लेकिन सम्स को सॉल्व करने के लिए हमको और भी कुछ जानना है चैप्टर के बारे में. तो जब तक पूरा चैप्टर होगा नहीं तब तक एग्जैक्ट क्वेश्चंस इन टॉपिक के ऊपर हम फ्रेम नहीं कर सकते बराबर. आप एक टॉपिक बाय टॉपिक समझिए, नोट्स बनाइए, उसे एक साथ रखिए, एंड देन जब मैं क्वेश्चंस को सेंड करूंगा, जब क्वेश्चन दूंगा आपको, तो आप उसे ये सारे नोट्स के हेल्प से सॉल्व करना बराबर. ये आप कॉपी करें.